दिन बिक जाएगा माटी के मोल। ए जी कहाँ है? ये लो कर लो बात, खुद ही चिल्ला रहे हो ए जी और खुद ही पूछे हो कहाँ है। ये सवाल तो हमने तुमका पूछना चाहिए, कहाँ है, कहाँ है बुलाए? हम तुम्हें इसलिए बुलाए थे कि इंदुमती हम ना दफ्तर जा रहे हैं। छे बात तो बहुत खुशी की बात है, जाओ। अरे कहाँ है इंदुमती, इतना झंझना कह रही हो? झंझनाए नहीं तो का करे, दिन भर तुम सबकी सेवा में लगे रहते हैं, भागते रहते हैं। हमारी जिंदगी में सेवा करने के अलावा और कछु नहीं बचा। और ऊपर से एक ऐसा पति मिला है जिसे अपनी पत्नी को साल में एक बार सिनेमा दिखाने का होश आता है। तुमसे शादी करके ना रहने दो। इंदुमती हम दफ्तर जा रहे हैं, सारा दिन वहां काम करेंगे और शाम को थक हार कर घर लौटेंगे। ये नहीं कि पति को हंस के विदा करो। देखो इंदुमती, इंसान को अपना हर पल हंसी खुशी गुजारना चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। का मतबल है तुम्हारा? हाँ यही कहना चाहते हो ना कि कल हम मरने वाले हैं? तुम तो यही चाहते हो, सब समझते हो, यही चाहते हो कि हम मर जाए। अरे नहीं नहीं इंदुमती, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि किसी की भी जिंदगी का कोनो भरोसा नहीं है, इसलिए इंसान को अपना हर पल हंसी खुशी और प्यार से गुजारना चाहिए। चलो अब हंस दो। लगता है इंदुमती आज कुछ ज्यादा ही नाराज है। चलो कुछ करते हैं। दीदी है? हम किसी काम से जा रहे हैं, थोड़ी देर में लौटेंगे। अरे बिना बात के तो पिताजी हंसते थे, फिर दीदी क्यों हंस रही हैं? दीदी तुम हंस क्यों रही हो, क्या हमने तुम्हें कोई चुटकुला सुनाया है? ना ना। अरे तो हमने क्या तुम्हें बंदर का नाच दिखाया है? ना ना। तो क्या हमने तुम्हें गुदगुदी की है? ना ना। अरे तो फिर हंस क्यों रही हो, किस लिए हंस रही हो? हाँ तुम का कह के निकले छोटू, हम किसी काम से जा रहे हैं इसलिए हम हंस पड़े। ओह काम और तुम नाराज नहीं होना, अब तुम बड़े हो गए हो, कब तक इधर उधर आवारा डोलते रहोगे बताओ? तो कुछ काम धंधा करो, सुन रहे हो? काम धंधा करो। ठीक है दीदी, अब तुम इतना ही जोर डाल रही हो तो हम इस बारे में सोचेंगे। सोचने से कुछ नहीं होगा बेटा, करने से होता है। हम तो कह रहे हैं बेटा से तुम कोनो काम धंधा शुरू करो। हाँ एक महान संत ने कहा है कि आज करे सो कल कर और कल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या है बंदे, अभी तो जीना है बरसों। हाँ फिर से बकलोली शुरू कर दिए हो, उठा झाड़ो। अरे दीदी झाड़ू की क्या जरूरत है, बरसों साफ है ना। का करे तुम्हारा बेटा, इतना भला बुरा कहते हैं, तुम्हारे कान पे जू तक नहीं रेंगती है। अरे दीदी हमारे कान पे जू नहीं रेंग सकती, क्योंकि हमारे सर में जू ही नहीं है तो कान पे क्यों रेंगेगी। अरे अरे दीदी अभी तुम हंस रही थी, अभी अचानक रोने लगी। चलो हम कोई काम धंधा जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे, निश्चित करेंगे, लेकिन वक्त आने पे। अरे अभी तो हमारी खेलने और कूदने की उम्र है। हाँ, हमारी उम्र हो चुकी है, कल को हम रहे न रहे क्या करोगे बताओ? दीदी दीदी और कल को हम नहीं रहे तो तुम किसे डांटोगी? खबरदार ऐसी अशुभ बातें की तो। अरे अशुभ बातें तो पिताजी किया करते थे, इसीलिए लोगों ने कभी कभी मनहूस भी कहते थे। फिर से बकलोली शुरू कर दी है, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अबे देख रहे हो बे माय डियर ब्लैकमेल, देखो यार हमारी माय डियर कितनी उदास लग रही है यार। इजी भैया हमें तो ये उदास नहीं लग रही है,
अबे हाँ? उनके बारे में नहीं कह रहे हैं हाँ? अबे हम अपनी कैटरीना के पीछे वाले सीट के बारे में कह रहे हैं यार। देखो ना, इनके बिना कितनी सूनी सूनी सी लग रही है। भैया आप कहें तो हम बैठ जाएं इस पे। अबे देंग दोबारा घसीट कंटा आप समझे। अबे ये पीछे वाली सीट हसीनाओं के लिए है, कमीनों के लिए नहीं है। अबे यार ब्लैकमेल, बस हमारे दिल की एक ही तमन्ना रह गई है, मरने से पहले एक बार इन हसीनाओं को हम अपनी पीछे वाली सीट पे बैठाएं और माय डियर तरीके से घुमाएं और बेहतरीन तरीके से रोमांटिक गाना गाएं। इडली इडली आई, इडली इडली आई और डोसा डोसा जाई। बात करते हो नामा कूल अंग्रेजी में फूल। ओ कूल टेक इट इजी। ये बड़े गाते हुए उन्हें उन्हें अबे भैया बिना सांबर निकल लो यहाँ से। इडली इडली हद होती है किसी चीज की। आय हाय सुत्ती लाल, पापा कसम आज डीपली घुस के तुम्हारे टकले कसम खा कहते हैं कि गरम गरम चाय डीपली घुस के हमारे मुंह में डाल दो गुरु। अरे मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ओहो हो, ये सुबह सुबह अखबार पढ़ के बड़ा मजा आ रहा होगा नहीं? अरे भाई सुत्ती लाल, मिर्जा साहब अखबार पढ़ रहे हैं, चाय के बगैर अखबार का मजा नहीं आता पढ़ना। भैया चाय पिलाओ जल्दी जल्दी हमारी तरफ से मिर्जा साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया भाई मियां बीजी पांडे। क्यों अरे पीजे ना। क्या है कि शाम को रोजा खोलने के बाद हम कुछ खाएंगे पिएंगे। भाई क्या है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है ना। ओहो मिर्जा साहब, हम तो भूल ही गए थे कि पापा कसम रमजान का पाक महीना शुरू हो गया। कोई बात नहीं, हम अकेले अकेले चाय पी लेंगे। अरे भाई सुत्ती लाल, हमारी मिर्जा साहब की बात खत्म हो गई लेकिन आपकी चाय अभी तक नहीं आई है। चाय पिलाओ ना यार। ए बीजी पांडे बोलो, जब तक हमारा पुराना उधार नहीं चुका दोगे ना, तब तक चाय तो का चाय का फोटो तक नहीं दिखाएंगे। अरे यार सुत्ती लाल, उधार खाते पीते चुका देंगे गुरु। कब? मरने के बाद? बिल्कुल सही कहा तुम्हें, मरने के बाद। ए बीजी पांडे, मरे हमरे समोसा के दुश्मन, आज तो हम भी जान के रहेंगे कि तुम हमरे उधार का पैसा कब चुकाओगे। कभी नहीं, 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 कभी नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं। का कभी नहीं, कभी नहीं बाबा? इसके मस्तक पर साफ साफ लिखा है कि एक बार जिससे उधार लेकर के जाएगा फिर वापस कभी नहीं चुकाएगा। एकदम सही कहा गुरु। कौन है आप बाबा? चिरकुटलाल चतुर्वेदी, महान ज्योतिषी चिरकुटलाल चतुर्वेदी। चिरकुटलाल चतुर्वेदी जी, आप हमारा हाथ देख करके बताइए कि हमारी शादी कब होगी। हम हस्त नहीं मस्त देखते। अरे तेरा मस्त तो बहुत मस्त मस्त है छिछोरे, तुझे प्रेम रोग है। हाँ बाबा, अब मैं हूँ प्रेम रोगी, इसलिए तू है बहुत बड़ा योगी। लेकिन फिर भी तेरे भाग्य में तेरी तीसरी शादी का योग है। आ, आ, आ,
चिटकुट लाल जी चतुर्वेदी जी तो बताइए ये कोनो काम धंधा करेगा कि नहीं है? ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी, इसकी सौ पुश्तें खाली बैठ बैठ करके खाएंगी। चिटकुट लाल चतुर्वेदी जी की जय। चिटकुट लाल चतुर्वेदी जी की जय। चिटकुट लाल चतुर्वेदी जी की जय। बाबा हमरा भी मस्तक पढ़ के बताइए ना। बच्चा तेरा मस्तक कहाँ अस्त होता है? बाबा जहाँ से आपका उदय होता है। हा? पेशे से तुम हो हलवाई, इसलिए तुम्हारी पत्नी रोज करती है तुम्हारी सुताई। चिरकुट बाबा की, चिरकुट बाबा की, चिरकुट बाबा की। हमें पूछने दो बाबा, हमरा माथा पढ़ के बताइए ना कि का लिखा हेंगे। वजन कम है लेकिन तुझ में दम है, तेरा विवाह शीघ्र ही हो जाएगा क्योंकि ये बात कहते हम हैं। चिरकुट लाल चतुर्वेदी जी की, चिरकुट लाल चतुर्वेदी जी की। अरे मुकुंदी बाबू, आप भी जल्दी से अपना मस्तक दिखा के अपना भविष्य जान लीजिए। बाबा चिरकुट लाल चतुर्वेदी से। मामा आदमी की किस्मत उसके दो हाथों में होती है और वो तभी समर्थी है जब वो दोनों हाथों से मेहनत करे, ना कि किसी ज्योतिष से अपना मस्तक ठुकवा के। और ये बात इसी जन्म में समझ लो, नहीं तो अगले जन्म में मामा से मेंढक बन गए तो ना समझ पाओगे। चलते हैं, हम जा रहे इंदुमती। मुकुंदी जा रहा। अरे मुकुंदी बाबू, अरे अरे मुकुंदी, अरे मुकुंदी बाबू, अरे रुकिए भाई, मुकुंदी बाबू। इसकी बात हमें लगी अच्छी क्योंकि वो थी स्पष्ट और सच्ची। अच्छा तो अब हम चलते हैं और फिर मिलते हैं। चिरकुट बाबा की जय। चिरकुट बाबा की जय। चिरकुट बाबा की जय। चिरकुट बाबा की जय। मियां इंदु भाभी, भाई कहना चाहते हैं आपसे मिर्जा अच्छे, आपके विचार हैं बहुत सच्चे। भाई आपने ये जो इफ्तारी की दावत अपने घर में रखी है, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको ढेर सारी बरकत दे और ज्यादा नेक हरकत दे। मिर्जा अच्छे। हाँ। हमरे भी विचार है सच्चे। कल शाम को हमरे घर वो करते हैं, क्या कहते हैं इसे, इफ्तारी की दावत। हाँ। हमको भी कहना है अल्लाह हमें ढेर सारी बरकत दे और हमें छोटू को नेक हरकत दे। हाँ। अरे मिर्जा अच्छे जी, भाई जल्दी से अपना रोजा खोलिए क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लगी, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। का है मामा? हाँ, रोजा तुम्हारा है कि इनका है? हाँ, तुम तो रोज रोज खाते हो ना। हाँ, आमी बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। देखिएगा आपा, अब्बू की दुआ रंग लाएगी, बहुत जल्द आपके घर खुशी आएगी। बाबा, इसी बात पे तुम्हारे मुंह माँ एक और खजूर। अरे खुशी आ गई, मतलब जीजा जी आ गए होंगे। अरे वाह, ऐ देखो ललन जी आ रहे हैं रिक्शे में, काला आया है बक्से में। हैं, उधर ले लो उधर बाय। अरे अरे उधर उधर कहाँ ले लो, हमारे घर की तरफ मोड़िए। हम तो किसी ने कहा ही नहीं, तो हम कह रहे हैं ना वहाँ मोड़िए। चलो चलो दाहिने लो, इधर इधर नीचे घर की तरफ। हाँ भैया, जीजा कल आए हैं। हैं, कहाँ?
ओ जी जीजा कहाँ लाए हैं? जीजा कहाँ लाए मतलब हम लाए हैं? आए तुम कहाँ लाए हो? बोलो ना, बोल काहे नहीं रहे हो? अरे बोलो बोलो कहाँ लाए हो, बोलो बोलो कहाँ लाए हो? बोलने तो दो हमारी अम्मा। कहाँ लाए? खुद ही देख लो। तो खुश हो ना? खुश ललन टॉप खुश जयपाल। पर इतने पैसे आए कहाँ से? वो कहा है ना, दफ्तर में शर्मा जी का ट्रांसफर हो गया है, तो वो अपना सामान सस्ते में बेच रहे थे, तो हम तुम्हारे लिए टीवी खरीद कर ले आए। आहो जयपाल, इस शर्मा जी का ट्रांसफर जो है पहले कहीं नहीं हुआ। बहुत खुश है, बहुत बहुत अच्छा काम किया। ये चलाओ चलाओ टीवी चलाओ। अरे का कर रही हो? हम तो इसमें वो वाला प्रोग्राम देखेंगे, वो फैशन वाला जिसमें लड़कियां ऐसे चलती हैं। अरे मामा तुम्हें ये कैसे पता हैंगे? अरे हमने सुना हैंगे, इसलिए हम देखेंगे। हाँ पापा, हम तो फिल्म देखेंगे। कहो ना प्यार है, कब्र तैयार है। अरे हो टेके डीजे मिर्जा साहब, हम तो फिल्म का नाम बता रहे थे बस। हम तो कब्र दिखा रहे थे बस, देखेंगे। आ मुकुंद दुल्हन बेटा, हम भजन सुनेंगे। मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर। हम वो देखेंगे, भूत वाला सीरियल जिसको देखने से डर लगता है। हाँ। अरे उसे देखने की आपको क्या जरूरत है? आए? आप अपने आप को आईने में देख लीजिए, बस हो गया। हाँ। हम तो अमिताभ वाला खेला देखेंगे। पगला गया होगा, एक तो हम इतना थक हार कर आए और ऊपर से तुम। हाँ देखो, शाम को 7:30 के करीब हमारे घर पर आना, तब तक कनेक्शन मनेक्शन कर लेंगे, चाय नाश्ता भी होगा और टीवी की मुंह दिखाई भी हो जाएगी, ठीक है? हाँ। अरे दीदी कहीं ये मुंह दिखाई के पैसे ना ले ले। बकलोली करता। हाँ चलो आए, हम पकौड़े बना के लाते हैं। चलो भैया उठाओ उठाओ टीवी उठाओ वहां से। घर में नई चीज आई है, वो भी इतनी क्या कहते हैं उसे, वो स्पेशल। हाँ स्पेशल। ये बात मौसी टीवी छोटे से बड़े से बड़े से आए अच्छे लाई। जय भाई कौन है? टीवी के सर पे फोड़ोगे का? चलो बेटा, चलो सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। बैठे चलो। इंदुमती ये लाल वाला बटन दबाए दो। ताली तो बजाओ। अरे बहुत अच्छे, ये लाल वाला बटन दबाए रहे। नमस्कार, मैं आदित्य श्रीवास्तव न्यूज 23 में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को आपसी संबंध गहरे और मजबूत करने की सलाह दी। अमेरिकी राष्ट्रपति सलाह तो पिताजी देते थे। एक साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया है। और आज की सबसे बड़ी खबर, अरे देखो देखो देखो, फ्रांस और जापान के विख्यात वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले महीने की 20 तारीख को दुनिया का अंत होना निश्चित है।
दुनिया भर के विख्यात वैज्ञानिक इस बात को दावे के साथ कह रहे हैं। क्या सचमुच 20 अगस्त हम सबका आखिरी दिन होगा? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.